नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया भला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल प्रिया भला द ऑप्टिमिस्ट पे। आशा करती हूँ आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। आज आपके लिए एक बहुत ही एक डिफरेंट सा टॉपिक लेकर आई हूँ, आपके वॉशरूम को लेके, आपके टॉयलेट को लेके। एक्चुअली मैं अभी टुडे संडे, आप जानते हैं आज संडे और मैं अभी ये वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए, तो मैं अभी अपना वॉशरूम क्लीन कर रही थी तो मुझे एकदम से ध्यान आया जब मैं वो बकेट, वो जो हमारी बाल्टी होती है, जो हमारा मग होता है, जो हमारा सोप डिश होता है, हमारा टाल का जो हमारा स्टैंड होता है, कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे टॉयलेट के अंदर, हमारे वॉशरूम में जो हम क्लीन करते हैं। और मुझे एकदम से ध्यान आया कि टुडे इज संडे और मुझे आज नहीं फ्राइडे को करना है। और जैसे ही ये थॉट मेरे दिमाग में आई तो बाबू मुझे याद आया कि शायद मैंने आपके साथ ये वीडियो नहीं बनाई कि आपके टॉयलेट को, आपके वॉशरूम को, आपकी बाल्टी, जो आपका मग है उसको, जो आपका टाल का स्टैंड है वो, आपके जितने भी सोप डिशेस हैं वो, आपके जो शैम्पू, आपकी क्रीम्स, आपकी बॉडी जेल्स, शार जेल्स, आपका शार, कितनी ऐसी चीज़ें, आपका WC, आपकी फ्लोरिंग, कितनी चीज़ें हमारे वॉशरूम में जो हम क्लीन करते हैं, वीकली करते हैं या कभी कभी हम दो दिन बाद करते हैं, या डिपेंड करता है अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो हम अच्छे से अपना टॉयलेट को, अपने वॉशरूम को क्लीन करते हैं। आप भी ऐसे ही करते होंगे डेफिनेटली, लेकिन आप कब करते हैं? अगर आप कभी भी उठ के कर लेते हैं साफ, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि टॉयलेट भी क्लीन हो जाए आपका, वॉशरूम भी आपका बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए और आपका शुक्र भी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाए, आपका शुक्र बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए। शुक्र इज वीनस। और वीनस की क्यों बात कर रही हूँ आज? क्योंकि वीनस हमारा पैसे से रिलेटेड है, मनी एनर्जी से रिलेटेड है। जो उसकी एनर्जीज है वीनस की, वो हमारा पैसा जिंदगी के अंदर जो हमारा फ्लो है वो बताती है। तो आपके जीवन में फ्लो कैसा है पैसे का, आपके लाइफ के अंदर अम्यूनिटीज, आपकी खुशियाँ, आपकी लाइफ के अंदर पैसे से रिलेटेड क्या सुख, क्या समृद्धि आपके घर में है, उसकी बात कर रही हूँ। वॉशरूम को साफ करेंगे, फ्राइडे को साफ करेंगे, और कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं आपको लेकर आई हूँ आज, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे कि प्रिया मैम ये क्या बात हुई, वॉशरूम से कहाँ पैसे को आप एकदम से रिलेट कर पा रहे हैं? तो बाबू अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो जो हमारा शुक्र है, जो हमारा प्लैनेट टॉयलेट के हमारे अंदर जो भी चीजें हैं सुगंधित, जिसके अंदर हमारे परफ्यूम्स हैं, जिसके अंदर खुशबू है, आप देखते हैं टॉयलेट में, आप अपना जो शार जेल है वो आप कब खरीदते हैं? आप मार्केट से लेकर आते हैं क्योंकि आपको फ्रेग्रेंस चाहिए होती है, ऐसे ही होता है ना। जो हमारा सोप है, जो हमारा हैंड वॉश करने वाला हमारा जेल है, बॉडी जेल है, शार जेल है, हमारा बॉडी जो हमारा लोशन है, उसमें कितनी प्यारी प्यारी खुशबू होती हैं। और वो खुशबू हम क्यों लाते हैं? क्योंकि हमें वो अट्रैक्ट करती हैं। और वो खुशबू, वो जो फ्रेग्रेंसेस हैं, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, उसका जो ट्रेट है, वो कैरेक्टर ट्रेट किस प्लैनेट को बताता है, वो प्लैनेट है वीनस। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको वीनस जो बता रही हूँ वो टॉयलेट से रिलेटेड क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बाबू अगर आपके घर के अंदर पैसे का फ्लो, एक रेगुलर फ्लो नहीं रहता पैसे का घर में, और अगर आप कहते हैं कि पेमेंट्स बहुत ज़्यादा रुकी हुई है प्रिया मैम, बहुत ज़्यादा पैसा आता है घर में लेकिन हमारा खर्च हो जाता है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब करना क्या है आपने? सबसे पहली चीज़, ये जो कुछ भी मैं अपनी लाइफ में करती हूँ मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आती हूँ, वो बात अलग है कभी कभी याद नहीं आती, जैसे एकदम से याद आया मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। करना क्या है बाबू आपको? सबसे पहले अपने जो वॉशरूम की जो बकेट है, जो बाल्टी है, उसको सिर्फ फ्राइडेज को धोएंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे, क्योंकि जो बाल्टी के नीचे जो हमारी जो काई सी जम जाती है, दैट लिटिल ग्रेइश कलर, जो वाटर के कारण हमारे नीचे एक सतह के ऊपर, एक हमारे नीचे बेस के ऊपर नजर आती है गंदगी, दैट इज रिलेटेड टू शनि प्लैनेट, सैटर्न प्लैनेट, और सैटर्न हमारा खराब होता है। अगर आप इसको फ्राइडे को क्लीन करेंगे तो हमारा शुक्र जो है, प्लैनेट वीनस है, वो उसके ऊपर डोमिनेट करेगा, वो हैवी हो जाएगा और आपके घर में मनी फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिलीव मी, करके देखना फिर मुझे बताना। सबसे पहले आपको अपनी मग, अपना मग क्लीन करना है, जो आपका जो मग होता है जिससे हम हैंड से, जिससे अगर आप नहाते हैं, अगर आप शार से नहाते हैं तो बाबू आपको अपना शार भी क्लीन करना है, फ्राइडेज को क्लीन करना है। देन कम्स योर फ्लोर, आपको अपना पूरा फ्लोर क्लीन करना है अच्छे से। उसके बाद अपनी जो शैम्पू की बॉटल्स है, जो आपके सोप डिश है, सोप डिश को जरूर क्लीन करिएगा फ्राइडेज को, ठीक है? और कोशिश करिए, अभी बात करूंगी, पहले आप सारी चीजें अपने वॉशरूम के अंदर आप फ्राइडे को वॉश करेंगे। अगर आप बीच में कर लेते हैं तो बाबू इट्स नॉट रॉन्ग, यू कैन डू इट ऑन एनी डे, बट अगर आप फ्राइडे को करते हैं, इनडायरेक्टली, अनइंटेंशनली, यू आर अट्रैक्टिंग वीनस इन योर लाइफ।
सो दिस इज अ ब्यूटिफुल टिप जो कि मैं जनरली प्लानिटरी जब मैं रेमेडीज की वर्कशॉप लेती हूँ उसमें कराती हूँ, लेकिन मुझे एकदम से याद ध्यान आया कि आपके लिए शेयर करना बहुत जरूरी है. आफ्टर कोविड सिचुएशंस बहुत हमारे लिए टफ हो चुकी हैं, सारी सिचुएशंस हम नहीं कोप अप कर पा रहे, तो क्यों ना हम छोटे छोटे ऐसे चेंजेस करें अपने घर में जो हमारे लिए पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें. अब बात करती हूँ टॉल्स की, जो हमारे वॉशरूम के अंदर, जो हमारे टॉयलेट्स के अंदर हम टॉल रखते हैं, तौलिए रखते हैं, उनको व्हाइट कलर का होना बहुत ज़रूरी है. बहुत नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है. आपके टॉयलेट को, चाहे जैसा भी आपका टॉयलेट है, चाहे उसके ऊपर प्रॉपर टाइल्स भी नहीं है, चाहे अच्छा सा व्हाइट वॉश भी नहीं है, लेकिन नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है. और अगर आपके वॉशरूम के अंदर एक डस्टबिन भी है जिसके अंदर आप अपना जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें डाल देते हैं, जो आपके नहीं यूज़ की, जो हम थ्रो करते हैं अपना मेकअप क्लीन करके, जो सारे टिश्यूज़ हैं, कॉटन है, जो भी आप थ्रो करते हो बाबू, वो डस्टबिन डेली साफ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसको पूरा क्लीन करना, पानी से क्लीन करना ऑन फ्राइडेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद जब आप अपना बाथरूम बिल्कुल अच्छे से चमका लेंगे, बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन, बिल्कुल बढ़िया सा कर देंगे फ्राइडेज को, तो आपको क्या करना है, एक कपूर लेना है, जैसे मैं करती हूँ हमेशा, बहुत सालों से करती आ रही हूँ. बिलीव मी, पैसे का फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा. करके तो देखो एक बारी, प्लीज़ करिए, मेरे कहने से एक बारी करिए, बिकॉज आई एम सो वरीड थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड दैट वे. उतनी अच्छी नहीं चल रही चीज़ें, और क्यों ना उनको और बेटर करा जाए. अगर चल भी रही है तो उनको स्टेबल करा जाए, वो स्टेबिलिटी लाई जाए अपने घर में फाइनेंशियली, इजंट इट. तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर के अंदर जब सारा आपने वॉशरूम क्लीन कर लिया फ्राइडेज को, तो आपने एक वाइट टॉल जरूर अपने टॉयलेट में रखना है. जितने भी कलरफुल टॉल्स रखो, बट वाइट रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अच्छे से साफ हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, उसमें हल्की सी कोई फ्रेग्रेंस आ रही हो, जो आप टॉल के लिए फैब्रिक जो आपके फ्रेग्रेंस वाले जो आते हैं लोशन, वो आप ज़रूर लगाइए उसके अंदर. उसके बाद कपूर लीजिए, कपूर अपने घर में ज़रूर जलाइए थोड़ी देर के लिए वॉशरूम के अंदर. जी हाँ, वॉशरूम की ही बात कर रही हूँ, जो हमारे शुक्र प्लैनेट को बताता है. शुक्र को मजबूत करना है कि नहीं करना है. अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आपको रेगुलर फ्लो ऑफ मनी चाहिए, सेविंग्स चाहिए, तो शुक्र को बापू करना ही पड़ेगा आपको. बैलेंस तो बहुत ज़रूरी है, उसको अच्छा खुश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये छोटी सी वीडियो आपकी लाइफ बदल देगी. बिलीव मी, करो और मुझे बताओ. डू इट फॉर कंटिन्यूसली 3-4 मंथ्स, बट इतना बताओ, इसको आदत ही बना लीजिए ना, जैसे मैंने बना रखी है. फ्राइडे मीन्स मेरी मेट को भी पता है कि फ्राइडे है, आज शुक्रवार है दीदी, वॉशरूम साफ करना है. ज़रूर करिए. और जब आपने कपूर कर लिया अपने घर के अंदर, उसके बाद एक कांच की कटोरी लेके उसके अंदर आपने थोड़ा सा कपूर, थोड़ी सी फिटकरी और थोड़े से चावल, तीनों चीज़ें डाल के अपने वॉशरूम में ज़रूर रखना है. WC के पास में हर वॉशरूम में रखना है. और कांच की कटोरी रखनी है, सेरेमिक की रखनी है, प्लास्टिक, स्टील, मुझे कुछ नहीं चाहिए. अभी मैं पीछे वास्तु करने गई आज से 6-7 महीने पहले, एंड यू वोंट बिलीव गाइस, मुझे कितनी हैरानी हो सकती है कि उनके घर के अंदर स्टील की कटोरी थी, एंड आई वॉज बैडली शॉक्ड, बट फिर भी मैंने उनको चेंज कराया और आज टचवुड दे आर वेरी हैप्पी. सो ये छोटे से टिप्स आप करिए. नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कब अपना वॉशरूम क्लीन करते रहे आज तक, और अब कब से करेंगे. और आपको अगर कोई भी डाउट है वॉशरूम से रिलेटेड, प्लैनेट शुक्र से रिलेटेड, आपके दिमाग में कोई भी बात चल रही है, मुझसे ज़रूर शेयर करिए. और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए. देखिए, सबको ज़रूरत है इस टाइम पैसे की, एंड दैट टू स्टेबिलिटी ऑफ मनी. बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास पैसा रुके, आए और आता चला जाए. सो थैंक यू सो मच. कपूर जरूर जलाएंगे, चावल रखेंगे, एल्म रखेंगे, दैट इज फिटकरी, और सारी बॉटल सब कुछ साफ करेंगे, व्हाइट कलर का टॉल रखेंगे, बाल्टी, मग, शार, एवरी हैंडल सब कुछ अच्छे से क्लीन करेंगे. यस, योर मिरर एंड वॉश बेसिन सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे फ्राइडेज. बीच में कभी भी कर सकते हैं बाबू, लेकिन फ्राइडेज the most important day. So please इन बातों का ध्यान रखिए, अपने घर के अंदर financial stability को increase करिए, and planet शुक्र को gratitude pay करिए. Thank you so much. I love you all. Hope आपको ये video अच्छा लगा होगा, और like my video, subscribe and please share the comment. Thank you.